नमस्कार दोस्तों, BSET ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के आप लोग के NTPC और ग्रुप डी की क्लास में हिस्ट्री के कुछ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आइए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी सीरीज़ में क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन सभी को आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 20 हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या फिर बंकिम चंद चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, बताइए दोस्तों दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे। जिस किसी का भी आंसर डी था वो बिल्कुल सही था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद चटर्जी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है, कौन सी पुस्तक है दोस्तों? गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास या फिर गोरा। जो बंगाली देशभक्ति की पुस्तक जो मानी जाती है वो है दोस्तों आनंद मठ। ठीक है दोस्तों, जिसका भी आंसर बी था वो बिल्कुल सही था। बंगाली देशभक्ति की बाइबल आनंद मठ को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों की प्रेरणा प्रदान की अंकित है, आनंद मठ में, दुर्गेश नंदिनी में, मेघनाथ बद काव्य में या फिर वीरांगना काव्य में। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, किस में अंकित है दोस्तों? वो जो अंकित है आनंद मठ में। जिसका भी आंसर ए है वो बिल्कुल सही था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगड़िया के रचयिता थे। क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगड़िया के रचयिता थे, कौन थे दोस्तों? इसके जो रचयिता थे वो थे बारहट केसरी जी। जिसका भी आंसर सी था वो बिल्कुल सही था दोस्तों। चेतावनी दा चुंगड़िया बारहट केसरी सिंह की द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, किस में लिखी थी दोस्तों? हिंदी में, मराठी में, गुजराती में या फिर अंग्रेजी में। जिस किसी का भी आंसर सी था वो बिल्कुल सही था। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी वो सर्वप्रथम गुजराती में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है सी, गुजराती। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों, जिस किसी का भी आंसर डी महात्मा गांधी है वो बिल्कुल सही था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, किस में लिखी गई थी दोस्तों? ये जो लिखी गई थी गुजराती में। जिसका भी आंसर बी था वो बिल्कुल सही था दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में M.K. गांधी ने हिंदी स्वराज लिखी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में M.K. गांधी ने हिंदी स्वराज लिखी, कौन से सन में लिखी थी दोस्तों? बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो जो इसका सही आंसर है, जिसका भी इसका आंसर बी था वो बिल्कुल सही था। M.K. गांधी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारतेंदु हरिश्चंद की प्रसिद्ध कृति है, मयंक मजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी या फिर चंद्रकांता संतति।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी है दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और जिसका भी आंसर वी भारत दुर्दशा है वो बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति भारत दुर्दशा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमें, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है? गोवर्धन राम एम त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, फकीर मोहन सेनापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र? अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक है दोस्तों वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, जिसका भी आंसर डी था वो बिल्कुल ठीक था, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम? सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे दोस्तों? जिसका भी आंसर बी है वो बिल्कुल सही है, सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, मैथिली शरण गुप्त या बंकिम चंद चटर्जी? भारत भारती के लेखक कौन थे दोस्तों? जिसका भी आंसर सी मैथिली शरण गुप्त है वो बिल्कुल सही है, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई है? राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो दोस्तों, राष्ट्रकवि की उपाधि जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी ए मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, जिसका भी आंसर ए मैथिली शरण गुप्त था वो बिल्कुल सही था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे, संघर्ष की ओर के पुस्तक कौन थे दोस्तों? ये थे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है दोस्तों, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण, मुंशी प्रेमचंद, मोरारजी देसाई या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? जिस किसी का भी आंसर ए है जयप्रकाश नारायण वो बिल्कुल ठीक है, प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, मीनू मसानी, ई एम फोस्टर या इनमें से कोई नहीं? तो द पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी गई थी ई एम फोस्टर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ई एम फोस्टर के द्वारा 1920 में ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक? जिसका भी आंसर डी है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बिपिन चंद इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं सतीश चंद, बिपिन चंद, ताराचंद या सुमित सरकार? तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए, इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म के डायनेमिक्स के लेखक कौन थे दोस्तों? तो ये थे बिपिन चंद्र जी। ठीक है दोस्तों, जिसका भी आंसर बी था वो बिल्कुल ठीक था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ प्रिंट
न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आउट ऑफ प्रिंट, न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो है प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। इसका भी आंसर ये था, वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है दोस्तों, पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट, न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज के लेखक प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक लिए दोस्तों नमस्कार।